सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्ट्रीट टाइम के साथ मैं हूं आपकी मेजबान दुरे शहवार। व्यूअर्स कैसे हैं आप सब, लाइफ कैसी जा रही है? आज मैं यहां पे मौजूद लोगों से पूछूंगी कि उन वो शॉपिंग के लिए क्यों आए हैं, शॉपिंग का रीज़न पूछूंगी और साथ साथ मैं ये भी पूछूंगी कि बार्गेनिंग ज़्यादा कौन अच्छी करता है, जेंट्स या लेडीज़। यहाँ पर मैं मौजूद लोगों को ट्राई करवाऊँगी पॉपुलर वालों के मिलकर फ्लेवर। सो व्यूअर्स इंतज़ार के इस बात का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? शाजिया। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ है। आप, मैं आपको ट्राई करवाऊंगी पॉपुलर वालों का मिलकर फ्लेवर, ठीक है? आप मैं ट्राई करके हमारे व्यूअर्स को बता रहे हैं फ्लेवर कैसा है। जी अच्छा है, फ्लेवर तो अच्छा है जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जो मेरे प्रोग्राम का आज का टॉपिक है वो ये है कि बार्गेनिंग ज्यादा कौन करता है, लेडीज या जेंट्स? लेडीज ही करती है ज्यादातर तो। अच्छा जी। कैसे, आप कितनी बार्गेनिंग करती हैं? अगर जैसे आपको किसी ने ड्रेस की कीमत 5,000 रुपए बताई है तो आप कितनी बार्गेनिंग करती हैं? बार्गेनिंग तो करते हैं, वो 5,000 बताएंगे तो हम 2.5 बताएंगे, 3 बताएंगे तो दुकानदार मान जाते हैं? हाँ, बास तो ऐसे होते हैं जो मान जाते हैं, जो बास होते हैं वो नहीं मानते, इनके बजट के ऊपर आता है तो वो दे देते हैं, वो नहीं देते। अच्छा, जो बास शॉप्स पे जाने से पहले जो लिखा होता है फिक्स प्राइस, वैसे मैं उन शॉप्स में नहीं जाती हूँ क्योंकि कोई फायदा नहीं होता, बार्गेनिंग नहीं होती। आप जाती हैं? नहीं, हम भी नहीं जाते, जल्दी से स्टॉप पे नहीं जाते। नहीं जाते जी हाँ। अच्छा, जो कुर्बानी के जब जानवर लेने जाते हैं तो क्या यही वजह है कि घर के जेंट्स हम लोगों को लेके नहीं जाते, कि हम लोग बार्गेनिंग करते दो 2.5 लाख की गाय जो है 20,000 में हम ना ले लें? शायद इस तरह तो हो सकता है। अच्छा, यही वजह है? शायद हो सकता है, वो तो अभी घर जाके इनको पूछेंगे। हाँ, पूछना चाहिए वैसे। अच्छा चलिए, मैं आपको एक ऑप्शन दूंगी कि आप जो है कोई ऐसे के लिए कोई मैसेज कन्वे करना चाहें जो आपकी नज़रों के तो करीब नहीं लेकिन दिल के बहुत करीब है, तो क्या मैसेज होगा और किसके लिए होगा? मैं अपने अम्मी को मैसेज करूँगी, अपने भाई को मैसेज करूँगी, वो बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, इनके लिए मैसेज करूँगी कि वो खुश रहें, जा रहे हैं, आबाद रहें, बस यही मैसेज करूँगी। वो दुआ बहन के लिए, बहन की दुआएं भाई के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहनों की दुआएं भाइयों के लिए होती हैं और भाइयों को दुआएं लगती भी हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहूँगी साथ ही साथ आप पॉपुलर वालों को थैंक यू करें जिन्होंने आप लोगों के लिए ये मिलकर फ्लेवर भेजे हैं। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा फ्लेवर है इनका और क्या कह सकते हैं, बहुत माशाल्लाह अच्छा। जी हाँ जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? सब। क्यों, क्या करती हैं? बस जॉब करते हैं। जॉब करती हैं? आप किस ऑर्गेनाइजेशन में है, लाइक बैंक में है, टीचिंग में है? प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में है। अच्छा, मैं आपको ट्राई करवाऊंगी पॉपुलर वालों का मिलकर फ्लेवर, आपने ट्राई करके मेरे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स को बताना है फ्लेवर कैसा है। अच्छा है, अच्छा है वैसे, टेस्ट में अच्छा है। हाँ, बादाम का फ्लेवर आ रहा है। ज़ाफ़रान आलमंड मैंने आपको ट्राई करवाया। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है प्रोग्राम का वो ये है कि बार्गेनिंग ज़्यादा कौन अच्छी करता है, लेडीज़ या तो फिर जेंट्स? अब तो दोनों ही कर लेते हैं, अब तो दोनों ही कर लेते हैं। अच्छा हाँ, अब दोनों ही कर लेते हैं, लेडीज़ भी बहुत अच्छी कर लेती हैं, जेंट्स भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। मेजॉरिटी कौन करता है बार्गेनिंग? मेजॉरिटी तो लेडीज़ ही करती हैं। अच्छा, आप कितनी बार्गेनिंग करती हैं? मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती, अम्मी का काम है शॉपिंग करना, सब कुछ करना, हमने सिर्फ जो कपड़ा आके मिल जाते हैं पहन लेते। अच्छा, तो बिल्कुल भी कम नहीं करवाती? नहीं, क्योंकि मुझसे इतना बार्गेनिंग होती नहीं है, इतनी करवा नहीं पाती, या मुझे पता ही नहीं चलता कि यहाँ बार्गेनिंग करनी है। अच्छा, तो इसके बाद आप शॉपिंग करती ही नहीं होंगी, मतलब आपकी जो ला के देते हैं वो पहन लेते हैं? ब्रांड का देख लिया तो वो फिक्स होता है, तो आप वैसे ही ले लेते हैं, वो अब तो ब्रांड का चलता है, तो आप ब्रांड लिया तो फिक्स होता है। तो ब्रांड कॉन्शियस होना अच्छी चीज़ है, आप क्या समझती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आपको एक ऑप्शन देती हूँ मेरे प्रोग्राम स्ट्रीट टाइम के प्लेटफॉर्म से, आप जनरल पब्लिक के लिए कोई मैसेज कन्वे करना चाहें, जो भी आप समझें कि हमें वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अपने कराची में वो चीज़ें जो है अप्लाई करनी चाहिए, कर देना चाहिए, कचरा बहुत कम कर देना चाहिए, एटलीस्ट जो अपने हाथ में है सामान खाते हैं पीते हैं उसको एक डस्टबिन में फेंक दें, खुद इतना तो कर लें, वैसे इतनी गंदगी है, हमें ही असर होता है, हम ही बीमार होते हैं, फिर हम ही हॉस्पिटल जाते हैं,
इफेक्ट हम होते हैं तो क्या वजह है? हम लोग बाहर किसी मुल्क में जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, हम लोग इतना ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं लेकिन अपने मुल्क को हम साफ़ नहीं रखते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें कोई चार्ज नहीं होता ना, अगर हम फिर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए या हमें चार्ज किया जाए तो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब चेक एंड बैलेंस नहीं होता, चेक एंड बैलेंस नहीं है ना बेसिकली। ठीक है, मैं चाहूँगी पॉपुलर वालों को थैंक यू करें जिन्होंने आप लोगों के लिए मिलकर फ्लेवर दिए। थैंक यू, यूर वेलकम, बहुत शुक्रिया। आपका नाम? मेहताब। मेहताब साहब, मैं आपको ट्राई करवाऊंगी पॉपुलर वालों का मिलकर फ्लेवर, आपने ट्राई करके हमारे व्यूअर्स को बताना है फ्लेवर कैसा है। बहुत अच्छा है। अच्छा है? हाँ जी। अच्छा मेहताब साहब, जो मेरे प्रोग्राम का आज का टॉपिक है वो ये है कि बार्गेनिंग ज्यादा कौन करवाता है, लेडीज या जेंट्स? दोनों अपनी अपनी जगह 50-50। अच्छा। जिसको जितना मौका मिलता है वो बार्गेनिंग करते हैं। अच्छा, आप करवाते हैं बार्गेनिंग? सब इसमें मैं जनरल बात कर रहा हूँ। नहीं, आप अगर अपनी आपसे मैं अगर आप आपसे मैं अगर आपका पूछूं आप करवाते हैं बार्गेनिंग? नहीं, मैं ऐसा नहीं, क्योंकि मेरी जॉब है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँगी कि आप जो है अपने किसी ऐसे के लिए कोई मैसेज रिकॉर्ड करना चाहें जो आपके नज़रों के तो करीब नहीं लेकिन दिल के बहुत करीब हो, कोई भी ऐसे रिश्तेदार जो पाकिस्तान में ना हो, कराची में ना हो। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अल्लाह मेरा भाई है साउथ अफ्रीका, अल्लाह उन्हें खुशियाँ दे, उन्हें हम बहुत मिस करते हैं, अल्लाह उन्हें जल्दी लेके आए। आमीन आमीन। और साथ ही साथ मैं चाहूँगी पॉपुलर वालों को थैंक यू करें जिन्होंने आप लोगों के लिए फेवर मिल भेजा। ये फेवर बहुत अच्छा है, मैं चाहूँगा कि लोग इसे इस्तेमाल करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? निम्रा। क्या करती हो निम्रा? आई एम अ डॉक्टर। यू आर अ डॉक्टर प्रोफेशनली? जी। और ऑन प्रैक्टिस? प्रैक्टिस ऑन प्रैक्टिस। ओके, मैं आपको ट्राई करवाऊंगी पॉपुलर वालों का फ्लेवर्ड मिल्क, ठीक है, ज़ाफ़रान फ्लेवर। आपने ट्राई करके हमारे व्यूअर्स को बताना है फ्लेवर कैसा है। इट्स नाइस, नेचुरल। ओके, अच्छा निम्रा, मुझे ये बताइएगा मेरे प्रोग्राम का जो आज का टॉपिक है वो ये है कि बार्गेनिंग ज़्यादा कौन करवाता है, मतलब चीज़ों की कीमत ज़्यादा कौन कम करवाता है, लेडीज या जेंट्स? ऑब्वियसली लेडीज। Yeah. आपके घर में कौन करता है बार्गेनिंग, मतलब मदर करती है या आप करती है? नहीं, अम्मी तो बिल्कुल भी नहीं करती, खाला है और मुमानी वो लोग करते हैं। आप करती हैं बार्गेनिंग? कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं होती, नहीं इतनी कर देगा है, मतलब ये क्या बस थोड़ी 10-20% हो जाती है इतनी। तो जैसे अगर कोई 8,000 का कुछ आपको कोई ड्रेस बता रहा है तो उस पर आप कितनी बार्गेनिंग करती हैं? 1,000 समथिंग इतनी बार्गेनिंग कर लेती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा। 8,000 की चीज़ 1,000 में? नहीं नहीं, मतलब 8,000 की तो 7,000 में, इस तरह 7,500 इससे ज़्यादा नहीं होती है, वो मानती नहीं, पहली बात तो ये है, लेकिन ये हाँ। अच्छा, तो क्या यही वजह है कि जब हमारे जेंट्स कुछ लेने जाते हैं, घर के जो मर्द हजरात हैं कुछ लेने जाते हैं, हम लोगों को नहीं लेके जाती, यही वजह कि बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल यही वजह, क्योंकि मेरे अबू भी यही करते हैं, मेरी अम्मी को लेके नहीं जाते क्योंकि अम्मी फिर वहाँ बार्गेनिंग करती है, अबू कहते टाइम ज़्यादा हो रहा है चलना, तो बस ये कि अबू बहुत जल्दी जो है करते हैं कि बस जितनी में है उतनी में ले लो, इतने में ले लो, बिल्कुल हर मतलब फादर यही करते हैं। मैं चाहूँगी आप जो है किसी ऐसे के लिए कोई मैसेज रिकॉर्ड करना चाहें जो आपकी नज़रों के तो करीब नहीं लेकिन दिल के बहुत करीब हो, अप टू यू, कोई पाकिस्तान से बाहर हो आपका रिलेटिव या कराची से बाहर हो। नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है, फ्रेंड भी नहीं है, कोई भी नहीं है, बेस्ट फ्रेंड है वैसे आप? बेस्ट फ्रेंड है? नहीं, बेस्ट फ्रेंड मेरी सारी पाकिस्तान में है और बस ये है करीब। आप मैसेज रिकॉर्ड करवा लें उनके लिए, नाम लेके उनका। मैं क्या, मेरी फ्रेंड है फिजा, वो नवाबशाह में होती है, तो उनके लिए बस ये कहना चाहती हूँ कि आई मिस यू और इंशाल्लाह विल मीट अप अगेन। इंशाल्लाह साथ ही साथ जल्दी से पॉपुलर वालों को थैंक यू करें जिन्होंने आप लोगों के लिए फ्लेवर मिल भेज। हाँ, उनके लिए भी थैंक यू, और बहुत अच्छा फ्लेवर है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत नेचुरल अच्छा है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नीलम। क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है आप? कितने बच्चे मैडम आपके? मेरे 3। 3 बच्चे हैं। ओके, मैं आपको ट्राई करवाऊंगी पॉपुलर वालों का मिलकर फ्लेवर, आपने ट्राई करके हमारे व्यूअर्स को बताना है फ्लेवर कैसा है। नाइस। इट्स नाइस। यस। अच्छा मैडम, मेरे प्रोग्राम का जो आज का टॉपिक है वो ये है कि बार्गेनिंग ज़्यादा कौन करता है, लेडीज या जेंट्स? लेडीज ही करती है। लेडीज करती है? आप कितनी बार्गेनिंग करती? नहीं, मैं बार्गेनिंग नहीं करती, मतलब जितने में बताया उतने में ले लेती। नहीं, एक बार बोलती हूँ और अगर ओके होता है ठीक है, और अगर वो मेरी रेंज में चीज़ नहीं होती मैं उसे छोड़ देती हूँ। अच्छा। बार्गेनिंग नहीं करती।
तो आप बार्गेनिंग प्रॉपर नहीं करती, जैसे अगर आपकी रेंज 7,000 हो वो बोल रहे हैं कि नहीं आपको जो है 7,000 में ही दें वो चीज़, जी, जी, जी. तो फिर आप मतलब वो लेती हैं चीज़ या छोड़ देती? नहीं, मैं पसंद छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि चॉइस तो आपको पता है छोड़ी नहीं जाती, तो बस वो मैं ज़रूर लेती हूँ, लेती हैं चाहे उसकी कोई भी कीमत। अच्छा, बिल्कुल, मतलब आप पसंद पे बहुत ज़्यादा जाती हैं कि एक चीज़ आपको पसंद आ गई तो लेनी लेनी, ज़िंदगी इसी का नाम है ना, चॉइस तो चॉइस होती है, चॉइस तो चॉइस होती है। बहुत ज़बरदस्त बात, चले मैं आपको एक ऑप्शन दे रही हूँ, ऐसे लोग जो कंजूसी करते हैं, अपना दिल मारते हैं, अपनी ख्वाहिशात मारते हैं, उस चीज़ के हकदार नहीं है लेने के, वो ना दिल लें उस चीज़, नहीं अगर उनके पास पैसा होते हुए भी वो एक चीज़ ना लें तो उनके लिए क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि अगर आप लोग कोई चीज़ चॉइस करते हैं, पसंद करते हैं, तो फिर आप कीमत ना देखें, कीमत ना देखें बिल्कुल। वैसे भी ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती, ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है और चॉइस की कोई कीमत नहीं होती, पसंद की कोई कीमत नहीं होती, जो दिल है तो ज़िंदगी है, और अगर दिल के बगैर तो कुछ भी नहीं है, दिल से आपको कुछ पसंद है उसे हासिल करो, हर हाल में हासिल करो। चलिए बहुत ज़बरदस्त बात की आपने, मैं चाहूँगी साथ ही साथ पॉपुलर वालों को थैंक यू करें जिन्होंने आप लोगों के लिए फ्लेवर्ड मिल किया। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा आपका ये मिलकर है, नाइस, थैंक यू मैडम, थैंक यू जी। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम में कितना मज़ा आ रहा है, कितना फ़न, कितनी एंटरटेनमेंट हम लोगों के साथ कर रहे हैं, आप लोगों के सजेस्ट किए हुए एक टॉपिक पर कि बार्गेनिंग ज़्यादा कौन करता है, लेडीज़ या जेंट्स? यहाँ मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि लेडीज़ बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करती है। यहाँ पे मौजूद मैं लोगों को ट्राई करवा रही हूँ पॉपुलर वालों के मिलकर फ्लेवर। इस प्रोग्राम को आगे भी कंटिन्यू करेंगे, मगर अभी वक्त को एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक जी व्यूअर्स, चलते हैं लोगों से बात करते हैं और जानते हैं आज के जबरदस्त से टॉपिक के हवाले से लोगों की क्या राय है। जी आपका नाम? फरहत। क्या करती है मैडम? वाइफ, हाउस वाइफ है आप। चलिए मैं आपको ट्राई करवाऊंगी पॉपुलर वालों का मिलकर फ्लेवर, आप ट्राई करके मुझे ये बताइएगा फ्लेवर आपको कैसा लगा है, तो उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी टॉपिक के हवाले से। चाहे पिस्ता फ्लेवर अच्छा है, ज़ाफ़रान आलमंड फ्लेवर मैंने आपको ट्राई करवाया, आपको पसंद आया। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि बार्गेनिंग ज़्यादा कौन करता है, लेडीज़ या जेंट्स? लेडीज़ करती हैं। लेडीज़ करती हैं, कैसे? अगर आप कितनी बार्गेनिंग करती हैं? मैं तो इतनी नहीं करती हूँ, वैसे ज़्यादातर मैंने यही देखा है कि लेडीज़ ज़्यादा कर रही हैं। अच्छा, बात ऐसे होता है शॉप्स पे लेडीज जाके पूरे पूरे ड्रेसेस निकलवाने, ये निकाल के दें, ये निकाल के दें, और फिर लेती वहाँ से कुछ नहीं है, वो सही नहीं है, वो चीज़ निकलवानी चाहिए जो हम अच्छी लगे और वो निकलवा लें, बाकी साहब जो चीज़ें निकलवाते हैं वो अच्छी नहीं लगते कि निकलवाएं और फिर ले नहीं, वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप आज आई हैं शॉपिंग के लिए, तो किसी की शादी है? मेरी भांजी की शादी है। आपने परचेसिंग कर ली अभी? करी अभी, हम सिर्फ अभी देख रहे हैं, टच करने आए हैं कि क्या है क्या नहीं है, फिर परचेस करेंगे, फिर परचेस करेंगे। अब चले आपके भांजे की शादी, मैं आपको एक ऑप्शन देती हूँ, आपके कोई ऐसे रिश्तेदार जो कराची से बाहर हो या पाकिस्तान से बाहर हो जो शादी में शरीक ना हो सके, ऐसे कौन है और उनके लिए क्या मैसेज आप रिकॉर्ड करना चाहेंगे? मेरे कोई, वैसे मेरे तो वो हैं बहनों ही हैं, अगर वो नहीं आ सकते हैं तो वो कोई मसला नहीं है, बस ये है कि अपनी दुआएँ हमें दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। बाहर है? हाँ बाहर है, अमेरिका में है। अमेरिका में है, चले हमारी भी दुआएं आप लोगों के साथ है, मेरी टीम की, मेरे चैनल के 21 की दुआएं आप लोगों के साथ है। साथ ही साथ मैं जल्दी से चाहूँगी आप पॉपुलर वालों को थैंक यू करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत अच्छा ये करा और बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू। जी आपका नाम? वकार अहमद। क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ, ऑल इंडिया। जॉब करते हैं आप, मैं आपको ट्राई करवाऊंगी पॉपुलर वालों का मिलकर फ्लेवर, आपने ट्राई करके हमारे व्यूअर्स को बताना है फ्लेवर कैसा है। अच्छा, ज़ाफ़रान है, अच्छा, अच्छा लग रहा है। आज का जो मेरा टॉपिक है प्रोग्राम का वो ये है कि बार्गेनिंग ज़्यादा कौन करता है, लेडीज़ या जेंट्स? लेडीज़ करते हैं, जेंट्स तो अक्सर नहीं करते, जेंट्स तो बस एक बात पर आ जाते हैं, वो एक ही जो बता देते हैं बॉटम लाइन, और उसी पर जो बात हो जाती है, और क्या बोलते हैं जो दुकानदार लोग भी जो है वो अक्सर जेंट्स से जो है बार्गेन कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो नीचे उसके नीचे जो आएंगे नहीं। अच्छा अच्छा, आप कितने आप करते हैं बार्गेनिंग, या जितना दुकानदार ने बता दिया उतने में ही ले, जैसे 11,000 की कीमत आपको बताता है तो आप कितनी बार्गेनिंग करते हैं? वो डिपेंड करता है चीज़ क्या है, वैसे वो 7-8 से जो 6-7-8 से जो स्टार्ट तो करना चाहिए।
वो डिपेंड करता है चीज़ कैसी है, अगर वो चीज़ अच्छी नहीं है तो फिर नीचे से स्टार्ट करना चाहिए उन्होंने। अच्छा मैं चाहूँ आप ऐसे लोगों के लिए जो है मैं आपको एक ऑप्शन दे रही हूँ कि मैसेज को रिकॉर्ड करना चाहें जो बहुत ज़्यादा कंजूस हैं, अपनी ख्वाहिशात को मारते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज आप रिकॉर्ड करना चाहेंगे? पैसा होते हुए भी अपनी ख्वाहिशात को मारना ये किस हद तक दुरुस्त है? देखें इसराफ तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास पैसा है माशाल्लाह गुंजाइश है तो आपको करनी चाहिए, वाई नॉट, जिंदगी है आप लें, चीज़ें लें और दिल से लें। चाहूँगी मैं आप पॉपुलर वालों को भी थैंक यू करें जिन्होंने आप लोगों के लिए इतनी गर्मी में आपको इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है आपका ख्याल रखते हुए आपके लिए फ्लेवर मिलके। थैंक यू वेरी मच पॉपुलर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? हिरा। क्यों, क्या करती हूँ हिरा? क्यों मैं बताती हूँ, अभी क्यों का जवाब मैं देती हूँ, क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ है आप, मैं आपको ट्राई करवाऊंगी पॉपुलर वालों का फ्लेवर मिल्क, ठीक है? आपने ट्राई करके हमारे व्यूअर्स को बताना है फ्लेवर कैसा है, ये लीजिए। अच्छा हीरा, मेरे प्रोग्राम का आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बार्गेनिंग ज्यादा कौन करता है, लेडीज या जेंट्स, आप क्या समझती हैं? लेडीज करते हैं ऑब्वियसली, हाँ। जेंट्स नहीं करते? जेंट्स करते हैं लेकिन मेरे ख्याल से लेडीज ज्यादा होती हैं बार्गेनिंग में आगे, जेंट्स थोड़ा कम करते हैं, कुछ जेंट्स होते हैं जो करते हैं लेकिन लेडीज ज्यादा करती हैं। अच्छा तो आप कितनी बार्गेनिंग करती हैं? मैं खुद पर्सनली बहुत ज्यादा बार्गेन नहीं करवा पाती लेकिन हाँ कुछ, जैसे अगर कोई दुकानदार आपको 5,000 की कोई चीज़ बता रहा है तो आप उसको कितना बार्गेन करती हैं? मैं मैक्सिमम उसको बार्गेन 4,000 पे ले आऊँगी या 3,500 पे, दैट्स इट, उससे ज़्यादा मैं नहीं करवा। इससे ज़्यादा वैसे करते भी नहीं दुकान वाले? हाँ अब तो नहीं कर रहे, आजकल तो कम कर दिया उन्होंने, इससे ज़्यादा करते भी नहीं है लेकिन हाँ यही है, ट्रेंड तो यही चल रहा है आजकल तो यही रेट चल रहा है बिल्कुल। चले मैं चाहूँगी आप जनरल पब्लिक के लिए कोई मैसेज कन्वे करना चाहें जो आप समझती हैं कि हमें वो सब कुछ करना चाहिए अपने पाकिस्तान के लिए, अपने खूबसूरत से शहर कराची के लिए, तो वो क्या मैसेज हो? मैसेज मैं सिर्फ ये दे सकती हूँ कि आप थोड़े से सिविलाइज्ड हो जाएं, एज अवाम आप थोड़े से सिविलाइज हो जाएं वही बहुत बड़ी बात है, उतना कर लें काफ़ी है, थोड़ा सा अपने आप को सिविलाइज कर लें कहाँ, क्योंकि आप बाहर जाके वही सब चीज़ें फॉलो कर रहे होते हैं जो यहाँ आके आप उनको नहीं फॉलो करते, बस वो कर लें अपने मुल्क के लिए वो काफ़ी होगा। क्या रीज़न है कि बाहर जाके तो वो सारी चीज़ें करनी है लेकिन यहाँ पे नहीं करनी? चेक एंड बैलेंस नहीं है। हाँ बेसिकली यही वजह है क्योंकि वहाँ आपको पनिशमेंट्स हैं इन सब चीज़ों के ऊपर, अगर आप एक रूल तोड़ देते हैं तो आपको इतना हैवी फाइन होता है कि आप उसके बाद आप वहाँ पर अगली दफ़ा सोचते नहीं है करने का, यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है उस चीज़ के लिए, आप रिश्वत दे के छूट जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली, और जब सबके यहाँ पर ताल्लुकात हैं तो वो खुल के करते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा मिस यूज़ करते हैं उन चीज़ों को, उन ताल्लुकात को, उन रेफरेंसेस को बहुत ज़्यादा। चलिए मैं चाहूँगी आप पॉपुलर वालों को थैंक यू करें जिन्होंने आप लोगों के लिए फेवरेट भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू पॉपुलर, यू आर वेलकम, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फारिया ताज। क्या करती हैं आप? मैं अभी तो हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है, कितने बच्चे हैं आपके? छोटी सी लग रही है। नहीं नहीं मेरी अभी शादी हुई है। कितना अर्सा हो गया शादी को? अभी 1 month ही हुआ है। 1 महीना हुआ है। हाँ। तो आप किसी साथ आई हैं शॉपिंग पे? मैं अपनी सिस्टर के साथ आई हूँ। अच्छा तो शादी की तो ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें पड़ी होती है तो फिर क्या आपने क्या लेना है? नहीं असल में मेरी सिस्टर जो है वो अब्रॉड से आई थी तो वो अपनी शॉपिंग कर रही हैं तो उनके साथ वो करवा रही थी। आप उनके साथ करवा रही हैं? मैं चाहूँगी थोड़ा सा कैमरे को फेस करें, मैं आपको दूंगी पॉपुलर वालों का फ्लेवर्ड मिल्क, ठीक है? आपने ट्राई करके हमारे व्यूअर्स को बताना है फ्लेवर कैसा है। अच्छा अच्छा आज का जो मेरे प्रोग्राम का टॉपिक है वो ये है कि बार्गेनिंग ज़्यादा कौन करता है, लेडीज़ या जेंट्स? लेडीज़ करती हैं क्योंकि वो शॉपिंग की ज़्यादातर करती आ रही होती हैं तो उनको आता है ना बार्गेनिंग करना, क्योंकि जेंट्स इतने रश से और इन सब से वो भागते भी हैं तो वो इतनी नहीं करते। अच्छा अच्छा क्या वजह है कि लेडीज़ इतनी बार्गेनिंग करती है लेकिन जेंट्स नहीं करते? क्योंकि जितने भी लोगों से मैं ले रही हूँ रिव्यू तो वो यही कह रहे हैं कि लेडीज़ ज़्यादा बार्गेनिंग करती हैं, पता नहीं क्यों, शायद लेडीज़ इस फील्ड में स्टैमिना ज़्यादा होता है उनमें जेंट्स का कुछ ये वजह भी होती है कि वो ऑब्वियसली जॉब्स वगैरह से थके हुए होते हैं, वो इस वजह से भी होते हैं और उनको इतना आइडिया भी नहीं होता कि वो चीज़ क्या है और क्या है, इस तरह से ना नहीं कर पाते। ओके मैं चाहूँगी पॉपुलर वालों को थैंक यू करें जिन्होंने आप लोगों के लिए फ्लेवर्ड मिल्क भेजे। नहीं थैंक यू सो मच फॉर पॉपुलर, इट्स वेरी नाइस फ्लेवर ना। और साथ ही साथ आप किसी के लिए मैसेज कोई कन्वे करना चाहें, अप टू यू, आप अपने हस्बैंड के लिए कोई मैसेज रिकॉर्ड करवा दें नाम लेके। नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ऐसी आपकी कोई फ्रेंड जो आपके कांटेक्ट में ना हो लेकिन आप बहुत ज़्यादा उनको मिस कर? नहीं मेरी सब सारी फ्रेंड्स कांटेक्ट में ही हैं, बस एक क्लोज फ्रेंड है जो मेरे साथ ही हैं फरियाना, तो बस और कोई नहीं है। थैंक यू के लिए रिकॉर्ड नहीं करेंगे मैसेज?
नहीं मेरी साथ इसलिए हाँ साथ में कदर नहीं है जब नहीं नहीं कदर है वो मेरी बहुत ही मतलब हम जिगरी यार समझ लें बहुत बचपन से ही साथ हैं तो बहुत शुक्रिया थैंक यू क्या नाम है आपका महक क्या करती हूँ महक पढ़ती हूँ मैं कौन सी क्लास में नाइन क्लास नाइन में वो मैं आपको ट्राई करवाऊँगी पॉपुलर वालों का फ्लेवर्ड मिल्क आपने ट्राई करके महक मेरे व्यूअर्स को बताना है फ्लेवर कैसा है बहुत गुड इट्स गुड या अच्छा महक मुझे ये बताइए मेरे प्रोग्राम का जो आज का टॉपिक है वो ये है कि बारगेनिंग ज़्यादा कौन करता है लेडीज़ या जेंट्स लेडीज़ आप करती हैं बारगेनिंग नहीं मैं तो नहीं करती कौन करता है फिर आपकी मदर हाँ मदर करती कितनी अच्छा कभी ऐसा हुआ कि मदर ने बहुत ज़्यादा बारगेनिंग की हो कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो और उनकी बारगेनिंग की वजह से वो चीज़ आपके हाथ से निकल गई नहीं दिला देती हैं ठीक है चले मैं चाहूँगी पॉपुलर वालों को थैंक यू करें जिन्होंने आप लोगों के लिए फ्लेवर्ड मिल्क भेजे थैंक यू सो मच और क्या नाम है आपका सुभान क्या करते हो सुभान कौन सी क्लास में हो वन क्लास वन में हो सुभान मैं आपको ट्राई करवाऊंगी पॉपुलर वालों का फ्लेवर्ड मिल्क आपने ट्राई करके हमारे व्यूअर्स को बताना है फ्लेवर कैसा है अच्छा है ओके इट्स यम्मी अच्छा सुभान जल्दी से मुझे कोई अच्छी सी पोएम सुना दो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है बिल्ली गई दिल्ली दिल्ली में था बंदर लाल किले के अंदर बंदर ने दी मूंगफली बिल्ली लेके उसे चली रास्ते में था भालू भालू बोला मैं कालू बिल्ली ने मारा पंजा भालू हो गया गंजा ये कब कब सुनी थी आपने नेट से सुनी है या स्कूल में पढ़ा थी नेट से सुनी थी नेट से सुनी है ठीक है आप मोबाइल यूज़ करते हो नो फिर कैसे सुनी नेट से आप बाजी का मोबाइल था ना ओके ओके बाजी का मोबाइल था चलो मैं चाहूँगी जल्दी से आप पॉपुलर वालों को थैंक यू करो जिन्होंने आप लोगों के लिए फ्लेवर्ड मिल्क भेजे थैंक यू और साथ ही साथ आपके कुछ जो बेस्ट फ्रेंड हो उनके लिए कोई मैसेज रिकॉर्ड करना चाहो कैमरे को देख के अयान अयान आप मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ आप कब आओगे मेरे घर पर आप जहाँ भी हो मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ थैंक यू बेटा थैंक यू जी व्यूअर्स आपने देखा कि आज प्रोग्राम में कितना मज़ा आया लोगों के साथ कितना फन कितनी इंटरटेनमेंट हमने की आप लोगों के सजेस्ट किए हुए टॉपिक पे कि बार्गेनिंग ज़्यादा कौन करता है लेडीज़ या जेंट्स मेजॉरिटी लोगों ने कहा कि लेडीज़ बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करती हैं यहाँ पे मौजूद लोगों को मैंने ट्राई करवाया पॉपुलर वालों का मिलकर फ्लेवर मिलकर ज़ाफरान एंड आलमंड फ्लेवर अभी मैं आपको एक ब्रेक का मैं आप लोगों को ज्वाइन करूँगी एक ज़बरदस्त सी जगह पर मगर आफ्टर ब्रेक कहीं जाइएगा नहीं देखते रहिए स्ट्रीट टाइम